नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रेस वार्ता में बताया है कि आज 5 लाख परिवारों के लिए मंगलकारी दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 5,21,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे और मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब से पद संभाला है गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुख्य आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या मुख्य राशन, लगातार इस तरह के काम कर रही है और मध्य प्रदेश उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। उनकी घोषणा कि हम 24,10,000 लोगों को आवास दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उसी कार्यक्रम में छतरपुर जाएंगी और प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक आज विषय था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख परिवारों के लिए आज मंगलकारी दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे, मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराने का। प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं तब से ही आप देखें, लगातार गरीब कल्याण की योजना है, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला के सिलेंडर गैस के हो, चाहे मुफ्त का अनाज कोरोना के टाइम का हो, लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उनकी घोषणा के बाद से अभी तक 24,10,000 लोगों को हम आवास दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज दोपहर 1:45 बजे छतरपुर में इस कार्यक्रम में के लिए जाएंगे और प्रधानमंत्री जी भी वीसी के माध्यम से इससे जुड़ेंगे। एक विषय और है इसमें, अरुण भैया ने एक ट्वीट किया था ना कि ये किसको फिक्र थी कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे थे कि सरदार कौन हो। धीरे धीरे धुंध हटती जा रही है, पायलट जी दूरी बना ली है, हमारे अरुण यादव जी सोनिया जी से मिल लिए, माननीय अजय सिंह जी कतार में है। कांग्रेस का सूर्य अस्ताचल की ओर है, हमारी तरफ न देखें। सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। तहताज हितग्राहियों को सौगात मिलने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी सौगात देने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ जोर से बोलो और बार बार बोलो की चीजें, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये योजना जब मनमोहन सिंह जी के समय बनी थी 2011 में, तब इसमें प्रावधान किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों के अंदर 2,50,000 रुपए पे का इसमें प्रावधान किया गया था। जब सरिये की कीमत 25 रुपए हुआ करती थी, आज सरिया 80 रुपए हो चुका है। जब सीमेंट की कीमत आती थी, लागत आधी से कम हुआ करती थी और कहीं ना कहीं पैसे ज्यादा मिला करते थे। और जो 2016 में योजना खत्म हो जानी थी, उसे 2022 तक बढ़ा के फिर नई योजना की लॉन्चिंग करी गई। ये मध्य प्रदेश और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा की जरूरत है कि गरीब आदमी इसमें कर्जदार होता जा रहा है। 1,20,000 रुपए में किसका घर बन रहा है? कम से कम 5 लाख रुपए एक हितग्राही के खाते में डालना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सोतेला व्यवहार जो है सरकार कर रही है, इसकी समीक्षा करके कहीं ना कहीं जनता को राहत देना चाहिए। स्पष्ट है ये योजना जिस उससे उद्देश्य करी गई थी, वो दौर मनमोहन सिंह जी का खत्म हो गया। आज 10 साल बाद उसकी समीक्षा करके कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए एक मकान पे ग्रामीण क्षेत्र में देना चाहिए, इसकी समीक्षा की जरूरत है। महंगाई सुरसा की तरह मुंह पाड़ रही है, पर सरकार अपनी नीति और नियत बदलने की बजाय सिर्फ प्रचार तंत्र में लगी है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।